जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 49568 के लिए एक बड़ी उपलब्धि है दोस्तों, कि इसमें जो कुछ बड़े लोग हैं वो भी अपना हस्तक्षेप करने लगे हैं कि भाई इनका मेडिकल जल्दी से जल्दी कराओ। तो ऐसे ही दोस्तों, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी को रवीश कुमार ने एक खुला खत लिखा है और जिसमें 49568 के मेडिकल की दोस्तों बात कही है। देखिएगा, अभ्यर्थी के इस पत्र को, यानी अभ्यर्थियों के इस पत्र को सत्यापित करने का कोई जरिया नहीं है। आप पत्र में लिखी बातों की जरा जांच कर सकते हैं, ठीक है। यह निश्चित रूप से दुखद है कि आपके राज्य में 2018 में शुरू हुई अक्टूबर 49568 की प्रक्रिया अगस्त 2020 तक पूरी नहीं हुई है। पत्र से यह भी नहीं लगता कि कोई कानूनी अड़चन है, अतः भर्ती तो समय से पूरी हो सकती थी। तो पूरा दोस्तों आप सभी भी इसे सर्च कर सकते हैं। अभ्यर्थियों के लिए दोस्तों एक बड़ी उपलब्धि है, ठीक है, जो ये पत्र लिखा गया है। क्या क्या इसमें बोला गया है देखिएगा। आप बिल्कुल ना सोचे कि ये मेरे समर्थक हैं इसीलिए मैं इनके लिए लिख रहा हूँ, बल्कि ज़्यादातर मुझे नहीं जानते, मेरे काम को नहीं देखते। जो जानते हैं उनमें से बहुत मुझे गाली देने वाले हैं। नौकरी की देरी ने मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रखा है, इस वजह से अपमान का घूंट पीते पीते मुझे पत्र लिख रहे हैं। गिलानी होती है, गिलानी तो होती है दोस्तों, कि जिसे गाली दी उसी से कहना पड़ रहा है। यह भी नहीं सोचे कि मेरे पत्र लिखने से प्रभावित ये नौजवान मेरे प्रति बदल जाएंगे, बिल्कुल नहीं। बल्कि 2018 की नौकरी सीरीज से जिन्हें नौकरी मिली थी उनके कई नौजवान बताते हैं कि मेरी वजह से नौकरी मिलने के बाद भी जब उनके साथी मुझे गाली देते हैं तो उन्हें दुख होता है। वहीं कहते हैं कि सर, आपने नौकरी सीरीज क्योंकि आप बंद कर दें, मैंने बंद कर दी। अब इनके दिमाग में जो जातिवाद और सांप्रदायिक नफरत का जहर है वो नहीं निकलेगा। नौकरी मिलते ही दहेज की रकम भी तय करेंगे, इसलिए ऐसी एक्टिविटी के नौजवानों से मैं उम्मीद नहीं रखता। अब सर आप भी देखिएगा, जब पोस्ट के बाद मुझे गाली पड़ेंगी, मेरे बारे में भद्दी तस्वीर बनाकर डाली जाएगी तो यह चुप हो जाएंगे। इसलिए नहीं कि ये किसी से डरते हैं, बल्कि ये भी गाली देने वाले में से हैं, इन्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती। हुआ यह होगा कि जब कोई रास्ता ना दिखा होगा तो मेरा नंबर बांटा होगा, एक पोस्ट लिखा होगा और तय हुआ होगा कि रवीश कुमार को भेजो। ऐसे कई पोस्ट अलग अलग राज्यों से आते हैं, इतना अधिक मैसेज आता है कि मुझे ब्लॉक करना पड़ता है। एक दिन में 500 हज़ार, इन 500 से 1000 मेरे पास सचिवालय नहीं है कि मैं सारे मैसेज पढूं और जवाब दूं। उंगलियों के पोर में दर्द उखड़ गया है दोस्तों। चलिए आगे आगे पढ़ते हैं। आप कहेंगे कि फिर मैं क्यों लिख रहा हूँ। नियति ने मेरे साथ दोस्तों एक सजा तय की है। जो लोग मुझ पर थूकते हैं, गाली देते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं, मुझे उन्हीं की सेवा करनी है। इनके घरों में जो गोदी मीडिया देखी जाती है ये वहीं देखते रहेंगे, इसलिए आप इन्हें अपना मानकर नौकरी दे दें। आप चाहेंगे तो हो जाएगा। 5 अगस्त को मंदिर के शिलान्यास के बाद एक भारत का उदय हुआ। नए भारत में पुराने भारत की इन लंबित भर्तियों को पूरा कर नई भर्तियां निकालें, आपका यश और फैलेगा। आपने मेरा पत्र पढ़ा, शुक्रिया। तो रवीश कुमार ने दोस्तों आपकी भर्ती को पूरी करने के लिए सीएम योगी से दोस्तों गुहार लगाई है, ठीक है। और भाई सीएम योगी से गुहार लगाइए कि भाई जो नई भर्तियां हैं उनको निकालें और जो पुरानी भर्तियां हैं उनको कंप्लीट करें। अब क्या होगा भाई 49568 के मेडिकल में, ये भी बिल्कुल दोस्तों अभी तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि लगभग 1 महीने तो उम्मीद ही मत मानो, ठीक है, ट्रेनिंग पर जाने की। क्योंकि हाल फिलहाल में अगर इन्होंने मेडिकल आपके घोषित भी कर दिए एडमिट कार्ड, सबसे पहले तो लगभग लगभग 10 दिन के बाद में, तो दोस्तों जैसे आज एडमिट कार्ड आया उसके 10 दिन बाद में मेडिकल शुरू होंगे, ठीक है। मेडिकल भी थोड़ा लंबा चलेंगे भाई, 10-20 दिन तो लगाएंगे, तो लगभग 1 महीना तो गया। अब क्या चल रहा, अब दोस्तों तो अगस्त तो चल रहा, ठीक, अगस्त तो चल रहा है और अगस्त तो दोस्तों जाने वाला है, 1-2 दिन बचे हैं। अगस्त में कोई ज़्यादा खास नहीं है, तो अब अगस्त के बाद में सितंबर आएगा। अगर सितंबर में दोस्तों इन्होंने एडमिट कार्ड जारी कर ये डॉक्टरी प्रक्रिया शुरू कर दी तो फिर कहीं दोस्तों आप अक्टूबर तक जा सकते हैं।
अक्टूबर से पहले जाने की दोस्तों आपकी कोई भी उम्मीद नहीं है, और देखते हैं क्या होता है भाई। जैसे ही अपडेट कोई भी मिलेगी, कहीं से भी मिलेगी, आप सभी को सबसे पहले दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।